बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं सर कि फ्रांस के वीज़ा एप्लीकेशंस के बारे में बताइए, वीज़ा आने तो स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन एप्लीकेशन को किस तरीके से फिल कर सकते हैं, आप जानकारी दे दीजिए इस बारे में। तो आज आपको मैं डिटेल इसी वीडियो में देने वाला हूं कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आपने फिल करना है अगर आप अपना फ्रांस का वीज़ा फाइल करने के लिए सोच रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी आईडी क्रिएट करनी है, किस तरीके से एक्टिवेट करनी है आईडी, किस तरीके से आपने अपना फॉर्म फिल करना है और उस फॉर्म को लेके आप VFS में जाएंगे और उसके बाद अपनी फाइल को सबमिट करेंगे। एंड में बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको होने चाहिए आपके पास, जिससे आपकी फ़ाइल एक सॉलिड हो जाएगी, एक मजबूत हो जाएगी, किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप फॉर्म को स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन अगर हम सर्च करेंगे तो कुछ ऐसे स्क्रीन ओपन हो जाएगी, स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, क्लिक करेंगे उसके बाद ये फ्रांस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे माई अकाउंट का सेक्शन, बिना कुछ देखे हुए आप डायरेक्टली माई अकाउंट के सेक्शन में चले जाइए। क्रिएट एन अकाउंट करना है अगर आपका पहले से कोई अकाउंट नहीं है तो, लास्ट नेम सेम एज आपने पासवर्ड वाला डालना है, नहीं है लास्ट नेम तो कोई इशू नहीं है, जो आपका गिवन नेम में नाम दिया हुआ है उसमें से जो लास्ट वाला नाम बचता होगा तो उसको लास्ट में डाल दीजिए, फर्स्ट वाला नाम फर्स्ट में डाल दीजिए। जैसे मैं फिलहाल एक डमी आईडी अगर बना रहा हूँ तो उस आईडी का नामकरण पहले तो कर देते हैं, ये पासवर्ड डिटेल तो मैंने लिखी हुई है, गौरव शर्मा डाल देते हैं यहाँ पे, शर्मा लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में गौरव। ईमेल एड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो अमन अरोड़ा टॉक्स को ही रजिस्टर्ड कर देते हैं यहाँ पे, दोबारा से फिर ईमेल आईडी मांगी गई है तो हम ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश 9699, ये है इसका कैप्चा कोड, क्रिएट कर दिया अकाउंट को और डायरेक्टली जो है ईमेल यहाँ पे आ ही जाएगी। तो ये देखिए ईमेल स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से आपने वेरीफाई करना है ईमेल को, वेरीफाई हो चुकी है और ये वेरिफिकेशन कोड है कुछ यहाँ पे, इसको कॉपी करें, वेरीफाई करें और स्टार्ट कर दें अब एप्लीकेशन को, क्योंकि वेरीफिकेशन डन हो चुकी है। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि पासवर्ड कहाँ है, तो पासवर्ड यहाँ पे है भाई साहब, ये है आपका टेम्पोररी पासवर्ड, यहाँ से हमने किया कॉपी, यहाँ पे इसको कर दिया हमने पेस्ट और ये टेम्पोररी पासवर्ड है। इसके बाद में आपको अपना पासवर्ड चूज़ करने के लिए बोला जाएगा जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा ही लेते हैं। बारह अंक चाहिए, कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ नए अक्षर के साथ कोशिश करता हूँ, अगर ये चल जाए तो यस चला गया। तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप रख सकते हैं यहाँ पे, नाम जैसे ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है डिटेल्स अपनी सारी फिल कर दी हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी डिटेल मतलब ये चेकलिस्ट के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछेंगे, जिसमें योर प्लान में आप करंट नेशनलिटी पहले आप सारी इसमें डाल दीजिए अपनी, इंडियन नेशनलिटी है, सबमिशन, डू यू ज्वाइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेम्बर, अगर कोई फैमिली मेम्बर है वहाँ पे यूरोपियन यूनियन में जिसको आपने ज्वाइन करना है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप यहाँ पे इंडिया कीजिए। इसके बाद सिटी करनी है तो अभी न्यू दिल्ली में सबमिशन हो रही है तो वहाँ पे ही करेंगे। वीज़ा रिक्वेस्ट है, आपकी शॉर्ट स्टे है, लॉन्ग स्टे है, एयरपोर्ट ट्रांजिट है, वो उसके बिहाफ पे आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल शॉर्ट स्टे कैटेगरी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो अभी शॉर्ट स्टे ही यहाँ पे फिल करूँगा। तो मेजरली जहाँ पे मैंने घूमने के लिए जाना है ये सारी डिटेल्स उसी के बारे में दी गई है। तो बात करते हैं यहाँ पे फ्रांस में जाएंगे जी बिल्कुल, और इसके बाद इंडिया से बिल्कुल योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मेरे इंडिया से हैं तो इंडिया के डलेंगे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट कौन सा, पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, अब हम इतने ज़्यादा कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं कि हमारे पास कोई डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट होगा, हमारे पास ऑर्डनरी पासपोर्ट है इसलिए ऑर्डनरी पासपोर्ट डालेंगे। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मैंने एक डमी पासपोर्ट्स के लिए पूरी आईडी बनाई हुई है तो मैं इसको डाल देता हूँ। ये पासपोर्ट नंबर किसी के साथ मैच नहीं करता है क्योंकि ये बिल्कुल डमी पासपोर्ट आईडी मैंने बनाई हुई है, और डेट ऑफ इशू मैंने यहाँ पे रखी है इसकी 21 सितंबर 2020 से 20 सितंबर 2023।
तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। 21 सितंबर 2020 से, अरे देख लें आ भी गया, यस 20 सितंबर 2030। लो जी, अब प्लान के बारे में पूछेंगे जी, प्लान कौन सा आपका, स्टडी है, टूरिज्म है, ऑफिशियल विजिट है, कौन सी है। तो हम तो टूरिज्म अप्लाई कर रहे हैं इसलिए टूरिज्म कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, मेन पर्पस भी हमारा टूरिज्म है इसलिए टूरिज्म आएगा। इसके बाद इसको वेरीफाई कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ओके हो जाएगी आपकी फाइल और आपकी डिटेल्स जो है इसमें फिल हो चुकी हैं। और अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट जैसे ही करेंगे दोबारा एक बार फिर पूछेगा कि क्या पासपोर्ट नंबर सही है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो इसके बाद दोबारा आपको फॉर्म नया फिल करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान से अपनी डिटेल को फिल कीजिए। तो हमने यस कर दिया यहाँ पे। बाय आइडेंटिटी पूछेंगे आपकी मेल है फीमेल है, मैरिटल स्टेटस क्या है, लास्ट नेम अब आपका क्या है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर आपका मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गिवन नेम है, लास्ट नेम यानी कि सरनेम आपका नहीं है, तो आपने ये चीज़ को फॉलो करना है कि जहाँ पे स्टार कंडीशन दी हुई है ना, इस कॉलम को भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ये मतलब है कि लास्ट नेम जहाँ पे आप दर्ज कर रहे हैं तो लास्ट नेम, मतलब कि गिवन नेम वाला नाम आप लास्ट नेम में डाल सकते हैं अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो। अगर बंदे का किसी का लास्ट नेम है तो उसको लास्ट नेम में डालिए, फर्स्ट नेम में डालिए, जैसे भी है। तो अभी तो हम यहाँ पे, हमारा लास्ट नेम नहीं है इसलिए हम यहाँ पे गौरव शर्मा लास्ट नेम में ही डाल देते हैं। अगर लास्ट नेम बर्थ के टाइम कोई और था तो आप उसको डाल सकते हैं। अब फर्स्ट नेम देखिए यहाँ पे, अब फर्स्ट नेम तो भाई हमारा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट नेम था, गिवन नेम था, उसको तो हमने अभी लास्ट नेम में डाल दिया क्योंकि स्टार कंडीशन लास्ट नेम में लगी है। तो फर्स्ट नेम को हम ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। डेट ऑफ बॉर्न की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने 23 अगस्त 1988 डाला हुआ है। ये भी एक स्पेसिफिक वैसे डाल दिया, कोई किसी की हो सकती है उसको भी हैप्पी बर्थडे किसी की 23 अगस्त है तो, लेकिन मैंने तो वैसे डेट डाली है। प्लेस ऑफ बर्थ मैंने होशियारपुर डाला हुआ है। कंट्री ऑफ बर्थ भाई इंडिया। अब यहाँ पे आ गया नेशनल आइडेंटिटी नंबर, तो नेशनल आइडेंटिटी नंबर भाई हम यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे अपना। अब ये वाला जो कॉलम है ना, अगर आपका बर्थ नेशनलिटी कोई और है तो आप वहाँ पे इस वाले कॉलम को फिल करना फिर आपके लिए ज़रूरी होगा, अदर नेशनलिटी वाले कॉलम पे, अगर आपका बर्थ जो है वो किसी और कंट्री में हुआ है तो। यहाँ पे आप अपना पर्सनल एड्रेस डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बीपीओ डगाना कलां डाल देता हूँ, जो मैंने ऐसे ही डाला हुआ है, 146001 होशियारपुर, कंट्री इंडिया डाल देते हैं, और टेलीफोन नंबर भाई 91 मैं अपना ही डाल देता हूँ, ये लो। ईमेल एड्रेस में सेम amanarodatalks@gmail.com, बाकी आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, हम अपनी डालेंगे। डू यू लिव इन अ कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ योर करंट नेशनैलिटी। भाई अगर किसी और कंट्री में रह रहे हो आप अपनी नेशनैलिटी के अलावा, तो यस करिए, अदरवाइज नो कीजिए। फैमिली मेम्बर अगर आपका कोई यूरोप में, जैसे मैंने पहले ही बोला, कोई रहता है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। करंट जॉब अगर आपकी कोई इस लाइन्स में है, देखिए स्पेसिफिक यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है, अगर टीचर है तो टीचर डालिए, स्टूडेंट है स्टूडेंट डालिए, है ना, कुछ भी आपकी जो पर्टिकुलर लाइन है तो आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अब हम प्रोपरेटर हैं, अगर मैंने प्रोपरेटर दिखाया हुआ है फर्म का, तो यहाँ पे प्रोपरेटर का कॉलम नहीं आ रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अदर में डालूँगा और यहाँ पे फिर मैं प्रॉप राइटर डाल दूँगा। और सेक्टर जो भी है मेरा, सेक्टर में मैं डालूँगा, सेक्टर कौन सा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रॉपर्टी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, कौन सी है, मतलब मैंने ज्वेलरी अगर डाला हुआ है तो ज्वेलरी का अगर देखते हैं पहले यहाँ पे, कुछ ज्वेलरी का कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है, अगर नहीं दिखेगा तो अदर एक्टिविटी में डाल के ज्वेलरी शॉप का नाम पूरा यहाँ पे दर्ज हम कर देंगे। तो यहाँ पे भाई कोई ज्वेलरी की शॉप तो नहीं नज़र आ रही, तो हम अदर एक्टिविटी में डालेंगे। और एम्प्लॉयर जो भी मेरी कंपनी का नाम है, जैसे गणेश ज्वेलर्स में डाल देता हूँ, एड्रेस वही VPO डगाना कला 146001 होशियारपुर, कंट्री इंडिया, सेम टेलीफोन नंबर 09195014557, ईमेल एड्रेस बिल्कुल सेम वही वाला, बाकी आप अपना डालिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला आप अपने बिजनेस का ही ईमेल एड्रेस डालिए, इसमें वेरिफिकेशन आपकी हो सकती है। फॉर्म को सेव जरूर करते रहिए, सेव नहीं करेंगे तो दोबारा से हो सकता है कहीं लाइट चली जाए, आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, दोबारा में दिक्कत आए। सेव किया होगा तो आपको बेनिफिट होगा, दोबारा दोबारा ये सारी चीज़ें फिल नहीं करनी पड़ेंगी।
अब ये चीज़ यहाँ पे फिर देखिए जी, शेंगन वीज़ा क्या आपको पिछले 5 सालों में मिला है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज नहीं मिला है तो नो कर दीजिए। यस करने के बाद ये ऑप्शन आएंगे, वैलिड कब तक कहाँ से स्टार्ट था, कब से और कब तक था, तो आप उसकी डिटेल भरेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। डिजिटल फिंगरप्रिंट आपने अगर कभी दिए हों शेंगन वीज़ा के लिए तो यस कीजिए। डेट आपको याद हो तो भाई बतानी ज़रूरी है। और नंबर ऑफ लास्ट बायोमेट्रिक वीज़ा, बायोमेट्रिक के बारे में अगर आपके उसको नंबर नंबर है तो आप उसमें फिल कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। मतलब कि यस करना है, ये नहीं बोलूँगा कि यस नहीं करना है भाई। आपको अगर डिटेल याद है तो भरिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना पहली बार अप्लाई कर रहे हैं ना तो यहाँ पर नो कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब स्टे कहाँ करनी है और कितने दिन रहना है, अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप फिल कीजिए, अदरवाइज अगर फ्रांस में जाना है तो मेजर आपकी कंट्री जो फ्रांस है तो फ्रांस कीजिए। प्लान डेट ऑफ अराइवल मैंने 18 दिसंबर डाली है और वापसी मैं करूँगा जनवरी में, एज पर जो शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंगली। ड्यूरेशन स्टे आप देख लीजिए कितनी हुई है, यहाँ पर ड्यूरेशन स्टे हो गई है जी मेरी 12-13 दिन, 16 दिन हो गई है, मतलब कि मैं 16 दिन के लिए जा रहा हूँ, 16 डेज। एंट्री मेरे को सिंगल चाहिए, मल्टीपल नहीं चाहिए, बार बार इतनी दूर कौन जाए 16 दिन का वीज़ा लेने के बाद। तो नंबर ऑफ स्टे प्लान्ड इन फ्रांस फॉर द कमिंग ईयर, मतलब कि आने वाले साल में भी क्या आपके कुछ दिनों में स्टे है तो बिल्कुल आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं पता चले तो ये देख लीजिए। इंटर द नंबर ऑफ स्टेज दैट यू आर प्लानिंग टू मेक इन फ्रांस फॉर द कमिंग ईयर, तो मेरे तो भाई 3 दिन और बनते तो मैं 3 दिन ही लिखूंगा इसमें। यू आर प्लानिंग फॉर स्टेइंग, कहाँ जाना है भाई, कहाँ रहना है उसके बारे में है, तो टूरिज्म जा रहे हैं तो टूरिज्म ही करेंगे, मेन पर्पज जो हमारा टूरिज्म ही है, कोई और अदर पर्पज तो हमारा नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं कि अगर आपको कोई वहाँ पे बुला रहा है ना, तो आपकी अगर अकोमोडेशन वो प्रोवाइड कर रहा है, कोई कंपनी है वहाँ से जो आपको अकोमोडेट कर रही है, कोई होटल है, तो आप उसकी डिटेल फिल कीजिए, अदरवाइज माई सेल्फ कर दीजिए डायरेक्टली। कैसे माई सेल्फ आप करेंगे, आपको क्रेडिट कार्ड है, अकोमोडेशन प्रीपेड है आपकी, या कैश लेके जा रहे हैं, जो भी है, तो मेजरली अगर तो आपने पैसे पेड किए हुए हैं भाई अपने फ्लाइट के और अकोमोडेशन के, तो प्रीपेड में डाल दीजिए, अदरवाइज नहीं तो कैश में डालिए। अब ये 3 चीज़ें जो ऊपर वाली रह गई थी हमारी, अकोमोडेशन कौन दे रहा है या कंपनी दे रही है, तो इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे होटल अगर आपने अपना बुक किया तो होटल की डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिए। होटल का नाम मैंने यहाँ पे जो रखा है अपना, जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, उसकी कुछ मैंने डिटेल यहाँ पे अपनी निकाली है, तो मैं पहले उसको फिल कर देता हूँ। ये लीजिए नोवोटेल पेरिस, एड्रेस भी भाई इसका मैंने कॉपी कर रखा है, और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी मेरे पास इसकी अवेलेबल है, जो कि ज़रूरी होती है फॉर्म में फिल करने के लिए। तो पोस्टल कोड क्या है इसका, ये वाला 93200। सिटी कौन सी है, सिटी वैसे पेरिस है और कंट्री फ्रांस है। टेलीफोन नंबर देखा मांग लिया ना इन्होंने, तो अभी टेलीफोन नंबर, अगर आपको कहीं टेलीफोन नंबर ना भी मिले ना तो कोई इशू नहीं है, आप गूगल पे जाइए और जो भी होटल आपने बुक किया उसकी वेबसाइट को फॉलो करके वहाँ से आप उसका नंबर कॉपी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी वैसे वहीं से मिल जाता है। काफ़ी सिंपल फॉर्म है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है अगर देखा जाए, लेकिन जो पहली बार भर रहा है भाई उसको तो दिक्कत हो सकती है। सेव करते रहना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया सेव करना ज़रूरी है फॉर्म को, नहीं तो बार बार दोबारा वही पंगा पड़ जाएगा कि भाई सेव नहीं किया तो दोबारा पहले से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, कंफर्मेशन हो चुकी है, गौरव शर्मा जी ने अपना प्लान जो है बना लिया है, प्लान कंफर्म हो चुका है, बिजनेस डिटेल मैंने फिल कर दी है, अपनी स्टे की कर दी है, कॉन्टैक्ट की कर दी है, लास्ट वीज़ा की डिटेल्स भी फिल कर दी है, डिक्लेयर कर दिया जी भाई हमने कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, और सबमिट कर रहे हैं इस फॉर्म को। और यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा जो आपकी स्क्रीन के सामने रहा, और ये चेकलिस्ट है। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंड में चेकलिस्ट भी बताऊंगा, तो भाई चेकलिस्ट ऑनलाइन यहीं पे आ रही है तो मेरे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे फॉर्म अपना फिल करेंगे उसके बाद ही चेकलिस्ट आ जाएगी। चेकलिस्ट में क्या क्या मांगा है इन्होंने, आपका मांगा भी पासपोर्ट, आपका मांगा है इन्होंने ट्रैवल ऑफ स्टे जिसमें आपके पैकेज के टूर की डिटेल, आइटनरी होनी चाहिए, रिजर्वेशन आप लगा सकते हैं रिटर्न टिकट की और ट्रैवल आइटनरी की। इसके अलावा ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है, जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं 2-4 दिन ऊपर नीचे करके रखिए अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस को। अकोमोडेशन की रिजर्वेशन इन्होंने मांगी है भाई, आप अपने होटल के जो है सफिशिएंट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली अपने आप एक स्टे की डिटेल आपने देनी है, कहाँ पे आप अपना स्टे कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने मांगी है फंड्स की डिटेल, जिसमें आपके लास्ट 3 मंथ की बैंक की स्टेटमेंट मांगी है,
अगर जॉब कर रहे हैं तो आप सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं 3 महीने की। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस की डिटेल लगाइए, 3 महीने का करंट अकाउंट की डिटेल लगाइए। करंट अकाउंट नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सेविंग अकाउंट की डिटेल लगा सकते हैं। आप अपनी पर्सनल आईटीआर रिटर्न 3 साल की लगा सकते हैं, 3 साल की नहीं सॉरी 1 साल की भी लगा सकते हैं। सो और एक मेजर चीज़, आपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन साथ में अटैच जरूर करनी है। और अभी COVID-19 के टाइम पे कोरोना वैक्सीन का जो है कोविशील्ड वैक्सीन का डोज का फाइनल सर्टिफिकेट आपका इसमें साथ में अटैच होके जाना है, तब आपकी फाइल सबमिट होगी। तो फाइल सबमिट होनी है दिल्ली में, फॉर्म आपकी स्क्रीन के सामने रहा, देखिए मैं आपको फॉर्म अभी दिखा देता हूँ। और 6921 इसकी जो है फीस है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये देखिए 6921 रुपये इसकी एम्बेसी की फीस है। बाकी 2750 के आसपास एम्बेसी VFS के चार्जेस रहते हैं, 750 आपके कोरियर के चार्जेस रहते हैं। तो सबमिट वीज़ा सेंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, और हमारा फॉर्म जो है भाई वो अब आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो ऐसा कुछ फॉर्म बाद में निकलेगा, इसको आप प्रिंट आउट निकाल के आपने VFS में लेके जाना है। जो भी साथ में डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो अटैच करके आप लेके जाइए साथ में। डॉक्यूमेंट के बारे में एक अलग से और वीडियो डिटेल में मैं ज़रूर बना दूंगा, फिलहाल फॉर्म के बारे में आज की वीडियो थी। कैसी लगी आपको वीडियो आप ज़रूर बताइए, होप करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉर्म आप अच्छे से देख लीजिए, मैं स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करके दिखा देता हूं। तो भाई ये आपका फॉर्म रहता है, ये जो नंबर है ये FRA करके कुछ नंबर आया है, ये आपका VFS में जब आपने अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है तब आपने इसी नंबर के थ्रू ही अपने फॉर्म को सबमिट करना है VFS में। क्योंकि अगर आपका अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म डिफर अलग हुआ और ये फॉर्म आपका अलग हुआ तो VFS आपकी फाइल को सबमिट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। तो भाई ये स्क्रॉल कर दिया मैंने, यहाँ पे आप सारी डिटेल अपनी देख सकते हैं। ये पूरी डिटेल ऐसे कुछ फॉर्म पूरा बन के आता है, ये होटल का एड्रेस आ गया, ईमेल आईडी आ गई, फ़ोन नंबर आ गया, सब कुछ डिटेल दे दी है। और जो हमने कैश भरा था, कैश एप्लीकेशन में के एप्लीकेंट खुद अपने हिसाब से अपना जो है वहाँ पे पेड करेगा, कैश लेके जाएगा, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे डिटेल फिल कर दी है। प्लेस एंड डेट डालिए, सिग्नेचर कीजिए और अपने फॉर्म को सबमिट कीजिए। साथ में नीचे चेकलिस्ट आ जाएगी और ये वाला पूरा डिटेल आपको साथ में अटैच करके लेके जाना ज़रूरी होगा फ्रांस के वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करते समय। तो यही है जी आपका फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिस तरीके से भी फिल करना है डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी है। कुछ भी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 1000 फीस है, आप फीस पेड कीजिए और अपनी एप्लीकेशन के बारे में आप एक स्टीक जानकारी आप मेरे से हासिल कर सकते हैं। 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग के जरिए। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए नंबर पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट को मेरे साथ आप फिक्स कर सकते हैं। ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिस में कर सकते हैं। अगर आप अपने घर बैठे जानकारी लेना चाहते हैं तो सिर्फ 1000 छोटी सी फीस है और उस फीस से जो है आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सकती है। तो अगर आप उस फीस को पेड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया जानकारी आपकी फाइल के बारे में मिल सकती है, क्या क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है अगर आप राइट नाउ अपना फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप कोई और डिटेल यानी कि फाइल अगर मेरे थ्रू लगाना चाहते हैं तो जो आपने 1000 दिया होगा वो भी उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, जो मेरी कंसल्टेंसी फीस होगी। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अप्लाई करने के फ्रांस वीज़ा के लिए। मेरे थ्रू करना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है आपका, स्क्रीन के ऊपर दिए नंबर पे कॉल करके आप मेरे साथ पर्सनली मेरे ऑफिस में मिलके आप अपनी फाइल को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मेथड से अपनी फाइल के बारे में सिर्फ जानकारी लेना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, नो वरी 1000 फीस है, आप फीस पेड कीजिए, आपको मैं पूरी डिटेल प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।